हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चौथे चैप्टर का सेकंड लेक्चर, चौथा चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स नो परिचय। फर्स्ट लेक्चर फिनिश होने के बाद आज के सेकंड लेक्चर में हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग अने वेचान। ओके, सो हम लोग बुक के हिसाब से फॉलो करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते अगर आपके सामने अगर बुक रखी हुई है तो और भी बेटर होगा, तो टॉपिक आप बुक के अंदर भी देखते जाओगे। ओके, तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो पेज नंबर 75 पे हमारा ये टॉपिक है मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग एंड वेचन। सो देखो, आप शॉपिंग करने के लिए जब सुपरमार्केट में जाते हो या फिर शॉपिंग मॉल में जाते हो, ओके, सो देखो हम जब शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री गेट पे हम लोग इस तरह का एक ट्रॉली कलेक्ट करते हैं। ओके, क्यों पता है ना, हम जब शॉपिंग करते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होती है, जो भी सामान होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रॉली के अंदर डालते हैं। बाय मिस्टेक अगर कोई एकाध ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया जो हम लोगों को नहीं खरीदना था, हम उसमें से वापस रिमूव ही कर देते हैं। ओके, सो होता क्या है कि ये जो ट्रॉली है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉपिंग कार्ट। ओके, शॉपिंग कार्ट, नॉट कार्ड। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको एमसीक्यू के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए शॉपिंग कार्ट भी होगा एंड शॉपिंग कार्ड भी होगा, तो आप लोगों को शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करना है। ओके, सो ये जो एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी बुक में बताई हुई है। ये तो हो गया शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, सुपरमार्केट में हम जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम लोग इस तरह का एक ट्रॉली कलेक्ट करते हैं। क्यों? सामान परचेस करने के बाद वहाँ पे रखने के लिए। ओके, मतलब प्रोडक्ट्स को वहाँ पे रखने के लिए। देन शॉपिंग करने के बाद लास्ट में हम लोग बिल काउंटर पे आते हैं बिल पे करने के लिए, बिल पे ऑन काउंटर। फिर यहाँ पे हमारा फाइनल बिल बनता है। ओके, इस तरह का आपने बिल काउंटर मॉल में या सुपरमार्केट में देखा होगा। सो मार्केट में पूरी तरह से शॉपिंग करने के बाद लास्ट में हम लोग अपने बिल का पेमेंट करने के लिए, हमने जो भी कुछ खरीदा था उसके लिए हम लोग इस तरह के एक काउंटर पे आते हैं। सो ये तो हो गया ट्रेडिशनल। ओके, डायरेक्टली मॉल को विजिट करना, डायरेक्टली सुपरमार्केट को विजिट करके शॉपिंग करना, ये उसका एग्जांपल था। सवाल ये है कि हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग अमेज़ॉन पे शॉपिंग करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट को रखने के लिए हमारे पास ट्रॉली कहाँ से आएगी? बराबर, मॉल में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे तो सामान को रखने के लिए हमारे पास ट्रॉली होती है। ट्रॉली इट मीन्स क्या? शॉपिंग कार्ट। सवाल ये है कि जब हम लोग इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, फिर वो अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, डजेंट मैटर, वेबसाइट कोई भी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमारे पास ट्रॉली तो होगी नहीं। तो इंटरनेट के ऊपर जब आप अमेज़ॉन पे ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपने इस तरह का एक आइकन देखा होगा, तो यही हमारा होता है शॉपिंग कार्ट। मैं आपको और एक इमेज दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखो, अभी यहाँ पे इस इमेज के अंदर उन लोगों ने अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन की हुई है और वहाँ पे ना वो लोग एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड किया, इस प्रोडक्ट को, इसलिए देखो यहाँ पे कार्ट में 1 दिखाई दे रहा है। मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है शॉपिंग कार्ट। ओके, फॉर एग्जांपल कि मुझे बस अभी ये एक ही प्रोडक्ट परचेस करना है तो मैं सीधा चेकआउट करूँगा, लेकिन अगर मुझे और भी खरीदी करनी है तो मैं जैसे जैसे प्रोडक्ट को ऐड करता जाऊँगा तो यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है इसलिए यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। मान लो अगर मुझे और कुछ नया परचेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे हेडफोन लेने हैं, शूज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं, जितने प्रोडक्ट्स को मैं ऐड करता जाऊँगा यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो ये है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। जब आपको ऐसा लगे कि अभी मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब जितने प्रोडक्ट्स को मुझे कार्ट के अंदर ऐड करना था सो मैंने कर दिया, तो लास्ट में पेमेंट करने के लिए आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। शॉपिंग कार्ट और चेकआउट, इन दोनों के बारे में हमारी बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पेज नंबर 75 पे, मार्केटिंग एंड वेचन इसी टॉपिक के अंदर, मार्केटिंग एंड सेलिंग इसी टॉपिक के अंदर, बराबर। तो हम लोग लास्ट में चेकआउट करते हैं। चेकआउट का ऑप्शन हम लोगों को तभी चॉइस करना होता है जब हम लोगों को फाइनल पेमेंट करना हो। जैसे कि मान लो अभी मुझे एक ही प्रोडक्ट ऐड करना है, मुझे अभी आगे और शॉपिंग नहीं करनी है, तो मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा। चेकआउट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी,
शिपिंग डिटेल के लिए आपको पूछा जाएगा, मतलब आपके पास से एड्रेस मांगा जाएगा। देखो ऊपर मैंने चार नंबर मेंशन किए, 1, 2, 3, 4, पहले आप इसको समझ लेते हैं। एक नंबर पे क्या हुआ कि मैंने अमेज़ॉन के अंदर पहले लॉगिन किया, साइन इन किया। सेकंड नंबर पे मैंने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किए, डिलीवर किया। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि मेरे पास से प्लेस ऑर्डर मांगा जाएगा, मतलब एड्रेस की बात हो रही है कि आपको कौन से प्लेस पे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। एंड देन फोर्थ नंबर पे कंप्लीट पेमेंट होगा, जब मैं यहाँ तक पहुँचूंगा तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सेकंड ऑप्शन पे, जहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है प्लेस ऑर्डर। तो आप एक चीज़ बात रखना, यहाँ पे दो दो एड्रेस है। अगर आपके पास आपके अगर मल्टीपल एड्रेस अगर आप लोगों ने मेंशन किए हुए हैं तो अमेज़न आपको पूछेगा कि आपको इस वाले एड्रेस पे डिलीवरी करना है या फिर इस वाले एड्रेस पे डिलीवरी करना है। अगर मल्टीपल एड्रेस होंगे तो ही ओके। सब जरूरी नहीं कि आप जब शॉपिंग करो तब आपको मल्टीपल एड्रेस दिखाई दे, सिंगल एड्रेस होगा तो भी आप डायरेक्टली येलो कलर के बटन पे क्लिक करके शॉपिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ के एड्रेस पे प्रोडक्ट को डिलीवरी करना है तो मैं ये वाले बटन पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वाले एड्रेस पे ऑर्डर डिलीवरी करना है तो मैं इस वाले बटन पे डिलीवरी करूँगा। तो ये जो है वो है शिपिंग एड्रेस ओके। सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सो मेरा प्रोडक्ट मेरे ऑर्डर मेरे प्लेस पे ऑर्डर हो जाएगा। एंड देन अगली प्रोसेस होगी पेमेंट की, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट करो, या फिर वहाँ पे एक ऑप्शन और होगा COD, इट मीन्स कैश ऑन डिलीवरी, जिसमें आपको पेमेंट नहीं करना होता, प्रोडक्ट को घर पे आने के बाद ही आपको प्रोडक्ट करना होता है ओके। सिंपल सा। तो ये था शिपिंग डिटेल, तो शिपिंग डिटेल के बारे में भी हमारे बुक में बताया हुआ है ओके। तो ये था ऑनलाइन शॉपिंग, जहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड करना है ओके। तो ये जो एग्जांपल है हमारी बुक में दिया हुआ है मार्केटिंग एंड वेचन के अंदर। सो ये एग्जांपल फिनिश होने के बाद अगला और एक मेन एग्जांपल इस टॉपिक का वो है IRCTC का, सबसे मेन एग्जांपल है इस टॉपिक का। सो ये जो वेबसाइट है वो हमारे इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, www.irctc.co.in। बोर्ड की एग्ज़ाम में IRCTC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को उसका फुल फॉर्म नोट करना है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, I for Indian, R for Railway, C for Catering and T for Tourism and C for Corporation। तो ये है हमारे इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, मतलब इस वेबसाइट से सिर्फ इंडिया के अंदर ही टिकट का बुकिंग होता है। ये जो टॉपिक है ना वो मार्केटिंग और सेलिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सो बोर्ड के एग्जाम में अगर सवाल पूछा गया कि हमारी बुक में मार्केटिंग एंड सेलिंग के टॉपिक के अंदर कौन सा एग्जांपल बुक में बताया हुआ है, तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है। इसमें से दो MCQ तो इजीली जनरेट हो सकते हैं। सबसे पहला MCQ तो IRCTC का फुल फॉर्म क्या है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल की इंडियन रेलवे की वेबसाइट कौन सी है। सो आपको याद रखना है www.irctc.com भी किया ना आपने तो भी रॉन्ग होगा, www.irctc.co.in ओके। सो इसका होम पेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये IRCTC का होम पेज है ओके। इसमें भी हम लोग अपना अकाउंट जनरेट करके इसके अंदर भी हम लॉगिन हो सकते हैं। सो इसके होम पेज पे आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, एक फ्रॉम होगा और एक टू होगा। फ्रॉम मतलब अभी आप कहाँ पे हो, जहाँ से आप टिकट बुकिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सूरत से मुंबई का टिकट बुक करना चाहता हूँ तो फ्रॉम के अंदर मुझे सूरत लिखना पड़ेगा और टू के अंदर मुझे मुंबई लिखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं सूरत से मुंबई जाना चाहता हूँ तो देन यहाँ पे आपको डेट पूछा जाएगा कि आप कौन सी डेट को मुंबई जाना चाहते हो, क्योंकि हम लोग ट्रेन का टिकट तो एडवांस में ही बुक करेंगे बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस दिन आप मुंबई जाओगे उस दिन की डेट मेंशन करनी है। एंड नीचे लिखा हुआ है ऑल क्लासेस, क्लासेस में आपका देखो सेकंड सीटर ओके, 2S 3A, AC चाहिए कि नॉन AC चाहिए, देन जनरल या फिर इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का सीट चॉइस करते हो। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे फाइंड ट्रेन पे क्लिक करूँगा ओके, तो सूरत से मुंबई जाने वाली जितनी भी ट्रेन होगी उसकी लिस्ट मुझे यहाँ भी दिखाई देगी उस डेट पे। जैसे कि जो डेट मैंने मेंशन की है उस डेट पे सूरत से मुंबई जाने वाली जितनी भी ट्रेन होगी वो मुझे IRCTC शो करेगा। मैं आपको इसके अगली स्लाइड्स में और बेटर तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मेरे पास और एक इमेज है जहाँ पे देखो फ्रॉम और टू के अंदर, फ्रॉम के अंदर न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, आई टू के अंदर मुंबई लिखा हुआ है, मतलब ये जो कोई पर्सन होगा वो दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है।
और वो जो जर्नी करने वाला है वो डेट है 30, ओके 30 जनवरी 2014, काफ़ी ओल्ड है। और टिकट का टाइप उसने रखा है ई टिकट, ओके। तो ये हो गई उसकी इंफॉर्मेशन कि वो पर्सन दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है और डेट कौन सी 30 तारीख को। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो IRCTC आपको ट्रेन की लिस्ट देगा। देखो ये सारी ट्रेन की लिस्ट है, लेकिन कौन सी ट्रेन की लिस्ट है, दिल्ली से मुंबई जाने वाली, वो भी 30 तारीख के दिन, बराबर। अगर मान लो उस दिन संडे आता होगा और कुछ हॉलीडे स्पेशल ट्रेन होगी तो वो भी दिखाई देगी, जो शायद किसी और दिन ना दिखाई देती हो। तो ये सब ट्रेन के नाम हैं, ये सब ट्रेन के नंबर्स है, कितने बजे वो आएगी, कितने बजे वो जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। चलो, ट्रेन की लिस्ट आने के बाद अब यहाँ से आपको ट्रेन चॉइस करनी है, जिस ट्रेन में आप जाना चाहोगे, जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगेगा, जो भी आप एफोर्ड कर पाओगे, वो ट्रेन आपको चॉइस करनी है। और हर ट्रेन का चार्ज अलग अलग होगा। अब यहाँ से आप जो भी ट्रेन सिलेक्ट करोगे, देन आपके पास से एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा कि कितने पैसेंजर्स आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। आपके पास से आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। क्यों, वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करना है, ओके। जो भी पेमेंट होगा आपको ट्रेन का, वो ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, ध्यान से सुनना, पेमेंट करने के बाद आगे की प्रोसेस क्या है। ट्रेन ई कॉपी आफ्टर टिकट बुकिंग, IRCTC आपको ई कॉपी सेंड करेगा। ई कॉपी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, हमारे टिकट की ई कॉपी हम लोगों को मिलेगी। आप बता दो, वो ई कॉपी आपको कहाँ मिलेगी। देखो, ये ई कॉपी है, ये ट्रेन का ई कॉपी, ये टिकट ही है एक तरह का। अगर आप जिस दिन जर्नी करोगे, आप जिस दिन ट्रैवलिंग करोगे, उस दिन आपको प्लेटफॉर्म पे जाके नया टिकट परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये टिकट भी अगर TC को दिखाते हो तो भी चलेगा। इस तरह का टिकट आपको बाय ईमेल पे सेंड किया जाएगा, ओके। एंड दूसरा और एक टिकट है इस तरह का, जो आपको आपके SMS पे मिलेगा, और दोनों को कहा जाएगा ई कॉपी। तो बोर्ड की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी पूछा जा सकता है, तो आपको यही याद रखना है। मतलब IRCTC अपने टिकट का ई कॉपी दो जगह सेंड करेगा, एक आपकी ईमेल पे और एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर, ओके, एज अ टेक्स्ट मैसेज। तो ये जो है वो, अगर मैंने फॉर्म भरते समय मेरा ईमेल अगर मेंशन किया होगा तो मेरे ईमेल पे इस तरह का टिकट IRCTC के द्वारा सेंड किया जाएगा, और फॉर्म भरते समय अगर मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है तो इस तरह का टिकट मुझे एज अ टेक्स्ट मैसेज मिलेगा। इन दोनों को कहा जाएगा ई कॉपी। ये भी मेरा ई कॉपी ही है और ये भी मेरा ई कॉपी ही है। ई कॉपी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। आप TC को ये दिखाओ तो भी चलेगा, आप TC को ये दिखाओ तो भी चलेगा। फ़र्क इतना है कि ये ईमेल में आएगा और ये SMS में आएगा। इसके बारे में आपकी बुक में पेज नंबर 75 पे लास्ट पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है। ट्रेन की वेबसाइट का नाम भी उन लोगों ने लिखा हुआ है, www.irctc.co.in, ओके। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये जो IRCTC का टॉपिक है वो मार्केटिंग और सेलिंग का सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ओके। नाउ नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड सेलिंग, इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग, व्हाट इज मार्केटिंग। जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग करोगे उतना ज़्यादा सेलिंग होगा। किसी भी प्रोडक्ट को, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको सबसे पहले हम लोगों को मार्केटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अगर कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो हम लोगों को पता कैसे चलता है मार्केटिंग करने के बाद। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एप्पल का न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ, वन प्लस का न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ, ओप्पो हो या वीवो हो, डजेंट मैटर, कोई भी अगर नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च होता है, हम लोगों को पता कैसे चलता है। क्योंकि हम लोग उन मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट TV पे देखते हैं, पेपर में आता है, या फिर अगर हम लोग बाहर की ट्रैवलिंग या बाहर घूमने के लिए गए हो तो आप लोगों को बाहर रास्ते पे पोस्टर्स दिखेंगे। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग है। मतलब मार्केटिंग किए बगैर आप प्रोडक्ट को सेल कर ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट का सेलिंग होगा। मैं सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर कोई प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको सेल करना है तो मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे टॉपिक का नाम ही यही है, मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग यानी वेचन, ओके। तो हम लोगों ने हमारे इस टॉपिक के अंदर जो एग्जांपल देखा वो देखा IRCTC का,
ओके, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। लेकिन वो तो एग्जाम्पल था ही, उसके अलावा हमारी बुक में और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए हुए, वेबसाइट एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए हुए www.homeshop18.com। आपने इस वेबसाइट का नाम सुना होगा। टीवी पे होम शॉप 18 की चैनल भी आती है, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि एक लेडी और एक जेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं, नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते कि आपके पास बस खाली 1 मिनट है, 2 मिनट है, फटाफट हम लोगों को कॉल कीजिए वरना ये प्रोडक्ट मिस हो जाएगा आपका, ऐसा वैसा। ओके, इस तरह का वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो होम शॉप 18 की उनकी खुद की चैनल है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो हर रोज़ अपने नए नए प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करते हैं। क्यों? उसको सेल करने के लिए। फ्लिपकार्ट, ये भी मार्केटिंग और सेलिंग का दूसरा एग्जाम्पल है। मायंत्रा हुआ, मेक माई ट्रिप टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वेबसाइट का। ओके, तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल्स किसके हैं? मार्केटिंग एंड सेलिंग। उसके लोगो भी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। सो होम शॉप 18 ये इसका एक लोगो है। फ्लिपकार्ट का तो आप लोगों ने देखा ही होगा, myntra.com, एंड फोर्थ नंबर पे है मेक माई ट्रिप। सो ये पूरी स्लाइड आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ये चार एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए हुए हैं, आप लोगों को बुक में देख लेने हैं, पेज नंबर 76 पे ये चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो बोर्ड की एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने, जो हमारे बुक में दिए गए वो खास करके याद रखने, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स के बेस पे जब अगर एमसीक्यू पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में अगर सवाल पूछा गया कि मार्केटिंग एंड सेलिंग के अंदर हमारी बुक में कौन से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो IRCTC तो है ही, वो तो सबसे मेन है, वो तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा चार और याद रखने हैं। कौन से चार? ये homeshop18.com, flipkart.com, myntra.com एंड macmetric.com। ओके, सो पाँच एग्जाम्पल इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने देखे, IRCTC और ये चार। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मार्केटिंग एंड सेलिंग। ओके, सबसे पहले तो आपको बस इतना याद रखना है, ये चार नाम आपको याद रखने हैं, IRCTC का फुल फॉर्म याद रखना है, ई कॉपी का टॉपिक आपको सबसे अच्छे से याद रखना है क्योंकि उसके ऊपर से MCQ बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, मेल पे जो आएगा वो भी ई कॉपी होगा, और एज अ टेक्स्ट SMS में जो आएगा वो भी ई कॉपी होगा, और शॉपिंग कार्ट जो मैंने स्टार्टअप में बताया वो भी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक आज के लिए। देन सेकंड टॉपिक पे हम लोग आते हैं। सो हमारा सेकंड टॉपिक है ऑनलाइन बिलिंग। कितना इजी टॉपिक है, टॉपिक को सुनते ही या पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस्त की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बिलिंग। ओके, सो अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग जितने भी टाइप्स के बिल आते हैं वो सारे बिल ऑनलाइन फिलअप भर सकते हैं। जैसे कि देखो ऑनलाइन बिलिंग में क्या क्या आता है, जैसे कि फ़ोन का बिल हुआ, मतलब अगर आपका प्रीपेड वाला कार्ड है तो रिचार्ज करना, ओके, या फिर अगर आप पोस्टपेड वाला कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आफ्टर 1 मंथ के बाद हमें उसका भी बिल पे करना पड़ता है कंपनी को, ओके, तो फ़ोन का बिल, वो भी ऑनलाइन बिलिंग, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है DTH। यस, घर पे अगर आपके घर पे DTH की एंटीना हो, जो भी हो, whatever, टाटा स्काई हो, एयरटेल हो, वीडियोकॉन हो, कोई भी हो, तो आफ्टर 1 मंथ अगर इसका भी अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो इसका भी पेमेंट हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है गैस। यस, अगर आप लोगों के घर में अगर गैस का कनेक्शन लेके रखा हुआ है तो उसका भी अगर आपको पेमेंट करना है तो आप गैस का कनेक्शन का इसका भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी। यस, सो इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर का लाइट बिल पे करने के लिए भी आपको उनके ऑफिस पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका भी पेमेंट ऑनलाइन घर पे कर सकते हो। मतलब चारों टॉपिक आप अच्छे से समझो। मोबाइल का पेमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको उसकी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई एयरटेल केयर में जाना पड़ेगा या वोडाफोन केयर में जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आप इसका पेमेंट भी घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। DTH का पेमेंट अगर आपको करना है, इसका भी अगर ऑनलाइन बिल आपको पे करना है, तो इसके लिए भी आपको इनकी ऑफिस या किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गैस बिल पे करना है तो उसके लिए भी आपको उसकी एजेंसी पे जाने की जरूरत नहीं है, इसका पेमेंट भी आप घर पे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। एंड देन लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपको उनको विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो बिल आपके घर पे आया होगा वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों ने देखे होंगे। ओके, शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी ये सब किया होगा। ओके, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम लोग कौन से मेथड यूज़ करते हैं? जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन है पेमेंट मेथड, क्या क्या यूज़ करते हैं? पेटीएम। यस, पेटीएम के द्वारा भी हम लोग ये चारों का पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। पेटीएम अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो फ़ोनपे,
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूज़र डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप फ़ोन पे से पेमेंट नहीं करना चाहते हो, अगर आप गूगल पे यूज़ करते हो तो गूगल पे, अगर आप इन तीनों में से कुछ यूज़ नहीं करते हो, अगर आप भीम एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो यहाँ से भी ऑनलाइन पेमेंट होगा। तो ये सब क्या है, मेथड्स है। देखो इसके बारे में हमारे बुक में बताया हुआ नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। हमारे बुक में सिर्फ टॉपिक कौन सा है पता है, ऑनलाइन बिलिंग। अभी ऑनलाइन बिलिंग मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है, ओके। डिफरेंट ये तो चार तो बस खाली एग्जांपल है, न जाने और ऐसे कितने सारे टॉपिक्स आते होंगे, बहुत सारी बातें आती होंगी जो हम लोग ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं। इन चारों के अलावा अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट करना है तो वो भी पॉसिबल है। एंड देन लास्ट में अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब क्या हुई, पेमेंट करने की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हुई। तो आप ये सारे ऑनलाइन बिल आप घर पे बैठे बैठे पे कर सकते हो, ऑफिस को विजिट किए बगैर, शॉप को विजिट किए बगैर, घर पे बैठे बैठे हम लोग ये सारे बिल पे कर सकते हैं। हमारी बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो है BSNL का। यस, एग्जांपल BSNL, फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। आप अगर पेज नंबर 76 निकालोगे उसके अंदर आप ऑनलाइन बिलिंग का टॉपिक देखना, उसके अंदर आपको BSNL दिखाई देगा थर्ड लाइन के अंदर, ओके। सो या कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो अपने कस्टमर्स को बिल सेंड करती है, मतलब कंपनी उस कस्टमर को बिल ऑनलाइन सेंड करती है और बदले में वो कस्टमर उसका पेमेंट भी ऑनलाइन ही करता है, बराबर। मतलब कंपनी अपने कस्टमर को फ़ोन का बिल उनकी ईमेल के द्वारा सेंड करेगा और जैसे ही वो ईमेल कस्टमर रिसीव करेगा उसको पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन का बिल कितना हुआ है, तो वो उसका पेमेंट भी क्या करेगा, ऑनलाइन ही कर देगा। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही होती है, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या दिया गया, ऑनलाइन बिलिंग। तो सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक था जो एक स्लाइड में हमारा फिनिश हो गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ऑनलाइन बिलिंग। सो ऑनलाइन बिलिंग के बाद इसके बाद अगला टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अभी अगला टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन सर्विसेज, माहिती सेवा। इंफॉर्मेशन इट मीन्स क्या, माहिती, मतलब क्या बताएं, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है या फिर जहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ माहिती इकट्ठा कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे सर ऐसी तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। है, बहुत सारी है, लेकिन हमारी बुक में एज अ एग्जाम्पल के तौर पर जिस पे फोकस किया गया है वो है शैक्षणिक संस्था और यूनिवर्सिटी, इट मीन्स स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। इसका एग्जांपल इस टॉपिक के अंदर दिया गया है, मतलब ये बात आपको खास करके याद रखना है। बोर्ड की एग्जाम में अगर सवाल पूछा गया कि इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेस, माहिती और सेवाणी अंदर इस टॉपिक के अंदर कौन सा एग्जाम्पल बताया हुआ है, तो शैक्षणिक संस्था आने यूनिवर्सिटी, इट मीन्स स्कूल, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल की अगर वेबसाइट होगी तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कॉलेज हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी हो, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ से हम लोगों को कुछ ना कुछ माहिती या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसीलिए इस टॉपिक के अंदर इसका एग्जाम्पल दिया गया। अभी आप सोच रहे होंगे सर इस एग्जाम्पल के अंदर, मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरह के, इसके अंदर से हम लोग किस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्कूल हो या कॉलेजेस हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, अगर इस तरह का एग्जाम्पल अगर हमारे सामने आता है तो यहाँ से हम लोग किस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये बुक में दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एग्जामिनेशन रिजल्ट, परीक्षा का परिणाम, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म, प्रवेश फॉर्म, एग्जामिनेशन शेड्यूल, परीक्षाओं कार्यक्रम, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, एंड देन लास्ट में इंपॉर्टेंट नोटिस, अगत्यनी सूचना। उसमें से पहले टॉपिक पे आता है एग्जामिनेशन रिजल्ट, परीक्षाओं परिणाम। यस, आप लोगों का जब 10th और 12th का रिजल्ट आता है तो हम लोग स्कूल और कॉलेज को विजिट नहीं करते, हम लोग अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ही इंटरनेट चालू करके घर पे बैठे बैठे ही हम लोग अपना रिजल्ट देख लेते हैं। हम लोग सीधा वेबसाइट को विजिट करते हैं और हम लोगों को हमारा रिजल्ट पता चल जाता है, फिर वो 10th का हो या फिर 12th का। रेडी, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने हमारा रिजल्ट इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया, इसलिए हम लोगों को स्कूल या कॉलेजेस को विजिट करना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर में अगर आया होगा कि 10th का रिजल्ट कल सुबह सुबह 4 बजे अपलोड होने वाला है, तो हम लोग इतने एक्साइटमेंट होते हैं अपना रिजल्ट को लेके, तो हम लोग सुबह 4 बजे वेबसाइट को खोल के अपना रिजल्ट देख लेते हैं। अब 4 बजे कौन सी स्कूल खुलेगी जहाँ पे जाके हम लोग अपना रिजल्ट कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं। तो
स्कूल या कॉलेज में रिजल्ट तो बहुत बाद में मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट हम लोगों को सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है। तो ये सब क्या हुआ हमारे लिए, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, मतलब मैं पास हुआ हूँ या फेल हुआ हूँ इसकी माहिती मुझे इंटरनेट से मिल गई, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनेट से मिल गई, इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही बराबर फिट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रवेश फॉर्म, इट मीन्स एडमिशन। अगर आप लोगों को अगर किसी स्कूल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, ओके, उसके लिए आपको स्कूल कॉलेज विजिट नहीं करना है। अगर उन लोगों ने अगर अपना कोई एडमिशन फॉर्म उनकी कोई वेबसाइट पे अगर रखा हुआ है, तो आप उनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करके उसके अंदर एडमिशन फॉर्म फिलअप करके आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी हमारे लिए क्या हुआ, एक अच्छी सर्विस हुई, इंफॉर्मेशन सर्विस हुई, जहाँ से हम लोगों को कुछ ना कुछ माहिती मिली। तीसरा ऑप्शन है परीक्षाओं कार्यक्रम, एग्जामिनेशन शेड्यूल। मान लो कि एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम का टाइम टेबल मुझे पता नहीं है, और एग्ज़ाम का टाइम टेबल देखने के लिए मुझे कॉलेज में नहीं जाना है, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम का टाइम टेबल उनकी वेबसाइट के ऊपर रख देंगे। तो हम लोग घर पे बैठे बैठे बिना कॉलेज को विज़िट किए, बिना यूनिवर्सिटी को विज़िट किए, हम लोग एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल, एग्ज़ाम का पूरा कार्यक्रम हम लोग इंटरनेट के ऊपर कॉलेज की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देन और एक बात कि मान लो फॉर एग्जांपल कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, कि मेरा नंबर कौन से ब्लॉक में होगा। जैसे ज़्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में विजिट करते देखने के लिए एक दिन पहले कि मेरा नंबर कौन से ब्लॉक में होगा, क्या होगा। लेकिन इसका भी अगर उन लोगों ने कुछ फैसिलिटीज़ अगर उनके वेबसाइट पर अगर रखा होगा, कि हम लोग घर पर बैठे बैठे ही देख सकते हैं कि यार मेरा ये नंबर है और इस ब्लॉक में मेरा नंबर आने वाला है, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी आप देख सकते हो। या इसके अलावा स्कूल या कॉलेज की तरफ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस या कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो वो आपको ऑनलाइन बताना चाहते हैं, कुछ अगत्य की सूचना मतलब नोटिस होगी, तो आप उसको देख सकते हो। इट मीन्स ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ रहा है, एग्जामिनेशन रिजल्ट, ओके, ये सारे टॉपिक्स क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बराबर। इसलिए इंफॉर्मेशन और सर्विसेज के अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर ये टॉपिक मैच होते हैं। तो बस इस टॉपिक के अंदर और कुछ एक्स्ट्रा हमारी बुक में है ही नहीं। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज के अंदर किसको इंक्लूड किया गया, तो आपको जवाब याद रखना है स्कूल कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़। इसके बारे में हमारी बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 76 पे आप माहिती सेवा का टॉपिक पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का टॉपिक पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पैराग्राफ के अंदर दिखाई देगी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड सर्विसेज। देखो दोनों टॉपिक डिफरेंट है। पिछला टॉपिक क्या था, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, ये टॉपिक क्या है, सपोर्ट एंड सर्विसेज। पिछला टॉपिक क्या था, माहिती सेवा, ये क्या है, सहाय सेवा। दोनों में क्या डिफरेंट है, पिछले टॉपिक में हम लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, माहिती मिल रही थी, हम लोग पिछले टॉपिक के अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे स्कूल और कॉलेज की वेबसाइट से। लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा आएगा कि आप लोगों को हेल्प चाहिए होती है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर के पास ही हेल्प लेते हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट से या ऐसा क्या क्या है जहाँ से आप लोगों को सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट सेवा, सहाय सेवा। जैसे कि देखो एक पैराग्राफ मैंने बुक में से यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, इंग्लिश में भी है एंड देन गुजराती के अंदर भी है। सो 5 से 6 लाइन है, आप मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ फॉलो करना, मुझे मेरे वर्ड्स को फॉलो करना प्लीज़, स्क्रीन पे ध्यान देना तो बेटर समझ में आएगा। और जैसे कि पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड्स ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन टू देयर कस्टमर्स विच इज देन फॉरवर्डेड टू द सपोर्ट इंजीनियर। कस्टमर्स कैन ऑल्सो ट्रैक द स्टेटस of their complaint place online. Software companies provide online support to their customers for any problem in installation, configuration or use. Software vendor also allow their licensed customers to download the recent update of the software. Hardware vendor put software drivers for their devices so that the customers can download them by choosing proper product type and mode. सेम पैराग्राफ गुजराती में नीचे भी है। उदाहरण तरीके, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों वेचाण करती संस्था तेना ग्राहकों ने फरियादनी ऑनलाइन नोंदनी करवानी सुविधा पूरी पड़े छे। फर्स्ट लाइन आप समझना क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो कि मैंने इंटरनेट से कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस किया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वॉट एवर, कहीं भी कोई भी वेबसाइट हो, मान लो कि मैंने वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस किया। हुआ क्या पता है कि जब मैंने इंटरनेट से ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस किया, उसके 2 दिन बाद वो प्रोडक्ट खराब हो गया,
ओके मान लो कि मैंने कुछ परचेस किया और 2 दिन के बाद वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से मैंने वो प्रोडक्ट परचेस किया उस वेबसाइट को विज़िट करूँगा और वहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर करूँगा, मतलब मेरी कंप्लेंट में वहाँ पे रजिस्टर करूँगा कि 2 दिन पहले मैंने आपकी वेबसाइट से ये चीज़ ख़रीदा था जो आज की तारीख में बंद हो गया है, ये मेरी कंप्लेंट है। इसका मतलब पता है क्या है कि उन लोगों ने कंप्लेंट को रजिस्टर करने की फैसिलिटी रखी है। अगर वहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर करने का अगर कोई फॉर्म ना होता या कंप्लेंट को रजिस्टर करने का जैसा कुछ होता ही नहीं, तो आप सोचो आप अपनी कंप्लेंट कंपनी तक कैसे पहुँचाते, या फिर वहाँ पे कोई टोल फ्री नंबर नहीं होता या फिर कोई फॉर्म नहीं होता, बराबर, तो आप कंपनी को कॉन्टेक्ट कैसे करते, बराबर। आपने शॉप से तो वो प्रोडक्ट ख़रीदा है ही नहीं जो ख़राब होने के बाद आप शॉप पे वापस करोगे, आपने तो इंटरनेट से ख़रीदा हुआ है, तो प्रोडक्ट ख़राब होने के बाद जाहिर सी बात है आपको कॉन्टैक्ट ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करने के लिए अगर आपके पास ना कोई टोल फ्री नंबर है, ना कोई ईमेल एड्रेस है, ना कोई कंप्लेंट को रजिस्टर करने की सिस्टम है, तो आप सोचो आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कैसे करोगे। तो उन लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर कंप्लेंट को रजिस्टर करने की एक सिस्टम रखी होती है, ग्राहकों ने फरियादनी ऑनलाइन नोंदनी, ओके, प्रोवाइड ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। सो कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद हमारी कंप्लेंट पे एक्शन लिया जाता है, देन कंपनी हमारे घर पे एक इंजीनियर को भेजती है, जे त्यार पछी सहायक इंजीनियर मोकलवामां आवे छे। इट मीन्स क्या, वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझो इस टॉपिक को, ये सपोर्ट एंड सर्विसेज का एग्जांपल है। पिछला इंफॉर्मेशन सर्विसेज था, उसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जबकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा आगे और भी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, रेडी, सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो कर लिया लेकिन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे किया जाए ये आपको नहीं आता, बराबर। तो अभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करने का उसके स्टेप्स तक आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मान लो कि आप कोई VLC प्लेयर या समथिंग, जो भी कोई भी व्हाटएवर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, आपने डाउनलोड कर लिया, चलो डाउनलोड तो हो गया, लेकिन अभी इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। ऐसे तो इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है, डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोगों को फिनिश ही करना होता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसके बहुत सारी कंडीशंस होती है, और आप लोगों का मान लो अगर वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका नहीं पता है, उसकी पॉलिसीज नहीं पता है, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का जो ऑप्शन होता है उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करने का उसके स्टेप्स भी उन लोगों ने इंटरनेट के ऊपर दिए होते हैं। तो आप वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये क्या हुआ, सपोर्ट एंड सर्विस। सॉफ्टवेयर संस्थाओं सॉफ्टवेयर ना स्थापन और संरचना के उपयोग संबंधी कोईपन मुश्किल संदर्भे ऑनलाइन सहाय पूरी पाड़े छे, ओके, ये सब लिखा हुआ है। और एक टॉपिक उसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो कि मैं मेरे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जो आउट ऑफ डेट हो गया है, मैंने उसको अपडेट ही नहीं किया, मेरा ध्यान ही नहीं दिया मैंने उस पर, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मुझे नोटिफिकेशन देगा कि प्लीज़ आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराओ, बराबर, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अभी आउट ऑफ डेट हो गया है। मतलब वो मुझे अपडेट करने का नोटिफिकेशन देगा, जब वो नोटिफिकेशन पढ़ूंगा तब जाके मैं मेरे सॉफ्टवेयर को क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। मे बी आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा, आप अगर मोबाइल में व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो और अगर आपने पिछले काफ़ी टाइम से अगर आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप को अगर अपडेट ही नहीं किया है, तो आपका मोबाइल भी आपको नोटिफिकेशन देता होगा कि आप अपने व्हाट्सअप को अपडेट करें। बस कुछ इसी तरह से है कि आप जब कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो हमारा सॉफ्टवेयर भी हम लोगों को अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन देगा। तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट सर्विस ही हुआ, वो हमारी एक सपोर्ट करना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है कि इंटरनेट के ऊपर लेटेस्ट न्यू अपडेट आ गया है और आप अभी भी पुराने अपडेट के अंदर हो, तो आप प्लीज़ अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराओ और उसका न्यू वर्जन यूज़ करो। लास्ट में और एक उन्होंने दिया हुआ है हार्डवेयर वेंडर्स के बारे में, जैसे कि मान लो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग हार्डवेयर के पार्ट्स यूज़ करते हैं ना, जैसे कि स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, पेंट्रे हो गया, आपको पता है ये सारे हार्डवेयर के पार्ट्स यूज़ करने के लिए हम लोगों को सिस्टम में उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को स्पीकर में अच्छे अच्छे गाने सुनने हैं ना, तो उसके लिए आपको ऑडियो का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर अपने सिस्टम में पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको USB ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अगर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की क्लियरिटी अच्छे हाई रेजोल्यूशन में देखना चाहते हो, तो उसके लिए ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अगर अपने कंप्यूटर से प्रिंट निकालना चाहते हो, तो प्रिंटर के ड्राइवर अलग आते, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अगर अपने सिस्टम से अगर स्कैन करना चाहते हो, तो स्कैनर तो कनेक्टेड होगा ही, तो साथ में आपको स्कैनर के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्राइवर्स आते हैं, ओके। तो ये सारे ड्राइवर्स अगर मान लो अगर आपके पास नहीं है,
तो आप ये सारे ड्राइवर्स इंटरनेट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, बराबर। क्योंकि आपके पास कौन सा मॉडल है वो तो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैनर आते हैं, हर टाइप का अलग अलग मॉडल नंबर का स्कैनर होगा, तो आप लोगों को दूसरे स्कैनर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना है। आपके पास कौन सा स्कैनर है, आपके पास कौन से स्पीकर्स है, आपके पास मतलब जो भी डिवाइस होगा वो आपके पास कौन सा है, उसका मॉडल नंबर आप लोगों को चेक करना है, गूगल पे टाइप करना है, और उस डिवाइस का ड्राइवर आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना है। तो वही लिखा हुआ है कि आ ड्राइवर ने ग्राहक तेना ઉત્પાદનના પ્રકાર અને મોડેલ પસંદ કરી ડાઉનલોડ કરી શકે છે। તો કસ્ટમર કેન ડાઉનલોડ ધેમ બાય ચૂઝિંગ પ્રોપર પ્રોડક્ટ ટાઈપ એન્ડ મોડેલ। તો હમ લોગ ઇસ તરહ સે ડ્રાઈવર્સ ઇન્ટરનેટ પર ડાઉનલોડ। અબ સોચો અગર યે ડ્રાઈવર્સ અગર નેટ પર હોતે હી નહીં તો હમ લોગ યે ડ્રાઈવર્સ કહાં સે લાતે હૈ। એસે તો હમ લોગો કે પાસ સીડીયા હોતા હૈ, સીડી હોતી લેકિન અગર વો ખો ગઈ હૈ તો ફિર આપ ક્યા કરોગે। तो इट मीन्स इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ पता चला कि ये सारे हमारी मदद कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को सपोर्ट एंड सर्विसेज के अंदर रखा गया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज, सपोर्ट एंड सर्विसेज। सपोर्ट एंड सर्विसेज में आपको और बेटर तरह से समझाता हूँ अगली स्लाइड में। देखो जैसे कि सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना, ओके, सेकेंड थिंग अपने ड्राइवर्स को अपडेट करना, उसके बाद देखो ये क्विकली एप्लीकेशन है, क्विकली एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ओके, जो हमारे कंप्यूटर में से वायरस को हटाता है। तो देखो अभी ये एक नोटिफिकेशन दे रहा है मुझे कि सिस्टम इज़ नॉट सिक्योर, मतलब आपका कंप्यूटर सिक्योर नहीं है। तो मेरा क्विकली मुझे अलर्ट कर रहा है, मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है, तो उसका कहना है कि आप उसको रिजोल्व करो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिजोल्व पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो क्विकली वो रिजोल्व हो जाएगा एंड देन मेरा सिस्टम सिक्योर हो जाएगा। मतलब पहले मेरा सिस्टम सिक्योर नहीं था, अब मेरा सिस्टम सिक्योर हो गया है, कब, रिजोल्व करने के बाद। तो ये सब मुझे पता कब चला, नोटिफिकेशन आने के बाद। अगर क्विकली ने अगर मुझे नोटिफिकेशन दी ही ना होती, मैंने अगर क्विकली को अपडेट किया ही ना होता तो फिर मेरा सिस्टम तो अनसिक्योर था, तो मेरे सिस्टम में तो आराम से वायरस आ सकते थे। लेकिन इस तरह की हेल्प मुझे क्विकली ने की, एक सपोर्ट किया मुझे, उसने मुझे कहा कि आप अपने क्विकली को अपडेट करो, उसको रिजोल्व करो, और मैंने कर दिया एंड देन सिस्टम इज सिक्योर। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी एक प्रकार की हेल्प है, ये एक प्रकार का सपोर्ट है। तो इस तरह की बहुत सारी सपोर्ट एंड सर्विसेज आपको नेट पर देखने को मिलेगी। मैं तो बस खाली उतने ही टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए जितने की हमारी बुक में है, ओके। सो ये दो टॉपिक फिनिश करने के बाद नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट बैंकिंग। ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग प्रैक्टिकली यूज़ भी करते होंगे नेट बैंकिंग। सो नेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए तो सबसे पहले तो अपने बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास आईडी पासवर्ड का होना ज़रूरी है, जो आईडी पासवर्ड आपको बैंक वाले ही प्रोवाइड करेंगे। बैंक कोई भी हो, डजेंट मैटर, आप जब न्यू अकाउंट बैंक में ओपन करवाते हो तब आपको बैंक एटीएम का पासवर्ड प्रोवाइड करेगी, मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड प्रोवाइड करेगी, नेट बैंकिंग पासवर्ड प्रोवाइड करेगी। तो ये जो आईडी पासवर्ड है ये आपको बैंक की ओर से मिलता है, ये भी पेज नंबर 77 पे लिखा गया है, फिगर नंबर 4.5 का जो फिगर है उसकी ऊपर के पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड हम लोगों को बैंक की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, ओके। देन और एक बात याद रखना, नेट बैंकिंग का यूज़ करने के लिए आपके पास किसी कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है, इट मीन्स क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। देखो अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये दोनों कार्ड नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनके पास तीसरा ऑप्शन होगा नेट बैंकिंग, क्योंकि नेट बैंकिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए किसी कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है, ओके। नेट बैंकिंग के लिए किसी कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है, आप नेट बैंकिंग का यूज़ आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताइए, नेट बैंकिंग का यूज़ करके ऐसा तो क्या क्या है जो हम लोग घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं जिसके लिए आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। देखो पैसे निकालना मत बोलना, क्योंकि पैसे निकालने के लिए तो आपको बैंक में जाना ही पड़ेगा, या फिर उसके लिए हम लोगों को एटीएम दिया हुआ है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे हम लोग पैसे निकाल नहीं सकते, इसलिए तो बोलना ही मत, ओके, कि नेट बैंकिंग का यूज़ करके हम लोग पैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ओके। पैसे निकालने के लिए आपको एक तो बैंक विजिट करनी पड़ेगी या फिर आपको नज़दीक में कोई एटीएम होगा वो विजिट करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग से हम लोग पैसे नहीं निकाल सकते घर पे बैठे बैठे, ओके। सो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसके अलावा और कौन से ऑप्शन है जो
हम लोग घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 77 पे ये सारे पॉइंट्स बताए हुए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सो मैंने 5 पॉइंट इंग्लिश में लिखे, 5 गुजराती के अंदर लिखे। सबसे पहला पॉइंट है चेक अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम, कोई पन समय खाता नहीं सिलकने जानकारी। सोचो अभी आप बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए बैंक में जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे सिर्फ मेरे बैंक में कितना बैलेंस है वो जानना है, उसके लिए बैंक में विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम लोग घर पे बैठे बैठे हमारी बैंक की एप्लीकेशन के अंदर जाके हमारे बैंक में कितना बैलेंस है वो जान सकते हैं। बराबर, नेट बैंकिंग का यूज़ करके भी आप अपना बैलेंस जान सकते हो। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर, एक खाता में थी अन्य खाता में रकम नहीं लेवड़ देवड़। यस, आप अपने एक अकाउंट में से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ्रेंड को अगर पैसे की नीड है, अगर आपका फ्रेंड आपके पास से पैसे मांग रहा है, या फिर अगर आपको गांव में पैसे ट्रांसफ़र करवाने हो, वॉट एवर, जहाँ भी आप पैसा जाना, तो आप अपने अकाउंट में से पैसा अपने फ्रेंड के अकाउंट में जिसे आप देना चाहते हो आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो खुद घर पे बैठे बैठे। उसके लिए आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्टेन स्टेटमेंट्स फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट, कोई पन आवक के जावक माटेना पत्रक। अगर मैंने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए मेरे बैंक में, ओके, मैंने कितने पैसे जमा किए या फिर मैंने कितने पैसे निकाले, अगर मुझे उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि मैंने कब कब मेरे अकाउंट में से पैसे निकाले, या मैंने कब कब ATM विजिट किया, या मैं कब कब शॉपिंग करने के लिए गया, मैंने कब क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, मैंने कब डेबिट कार्ड यूज़ किया, वो सारी डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो उसका पूरा स्टेटमेंट आप इंटरनेट से ऑनलाइन निकाल सकते हो। नाना की व्यवहार नहीं स्थिति विषय जानकारी, मतलब फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वही हुआ कि मेरे ट्रांजेक्शन्स क्या है, कितने हैं, ओके, वो सारी डिटेल आप घर पे बैठे बैठे जान सकते हो। एंड लास्ट और पांचवा पॉइंट है पे वेरियस बिल ऑनलाइन लाइक टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर विदाउट गोइंग टू द बैंक, बैंक में गया वगर टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी और अन्य बिल नहीं चुकवनी, जो कि हम लोग ऑनलाइन बिलिंग के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अगर आपको अपने टेलीफोन, जबकि अभी टेलीफोन तो रहा नहीं लेकिन होंगे बहुत सारे लोगों के पास टेलीफोन, अगर टेलीफोन का बिल अगर आता होगा तो आप घर पे बैठे बैठे चुका सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपको चुकाना हो तो आप चुका सकते हो नेट बैंकिंग का यूज़ करके, ओके, जिसके लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास ID पासवर्ड का होना ज़रूरी है। तो ये सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे ऑप्शंस हमारे बुक में पेज नंबर 77 पे दिए हुए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के अंदर जो एग्जांपल हम लोगों को दिया हुआ है वो एग्जांपल है बुक एग्जांपल www.onlinesbi.com, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ओके? देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, उन लोगों ने वही वेबसाइट खोली है onlinesbi.com, URL एड्रेस, ओके? सो बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि नेट बैंकिंग के टॉपिक के अंदर हमारी बुक में कौन सी बैंक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है onlinesbi.com। आपको पता है URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म हमारी बुक में दिया हुआ नहीं, लेकिन आप नोट करके रखना एक पेज पे, या फिर आप याद कर लेना, ओके, अगर आप विवेकानंद हो तो। बोर्ड के एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए कि URL का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हमारा बुक का एग्जाम्पल था onlinesbi.com, लेकिन ये अकेली एक लौती बैंक नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बैंक है, ओके? आप अगर पेज पलटोगे तो पेज नंबर 78 पे पीछे और भी बैंक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि और कौन सी बैंक्स के एग्जाम्पल इस टॉपिक के अंदर दिए। सो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ बैंक वेबसाइट्स इन टेक बुक्स, सो बुक के हिसाब से ही मैंने एग्जाम्पल दिए, मैंने कोई मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऐड नहीं किए। सो फर्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डॉट को इन, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा डॉट को इन, तीसरा है IOB इंडियन ओवरसीज बैंक डॉट इन, ओके, चौथा है PNB इंडिया डॉट इन, ओके, पंजाब नेशनल बैंक इंडिया, एंड देन लास्ट में है देना बैंक। सो ये पांच और बैंक ऐसी है जिसका एग्जांपल हमारी बुक में दिया है, मतलब टोटल 6 बैंकों के नाम हमारी बुक में हैं। मेन एग्जांपल तो SBI का है और 5 एग्जांपल ये है, ओके? तो आई होप कि आपको नेट बैंकिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ओके? तो आज हमारा जो चौथे चैप्टर का सेकंड डे था, जिसके अंदर आज हम लोगों ने कौन से टॉपिक पढ़े, मार्केटिंग एंड वेचान, ओके, दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ऑनलाइन बिलिंग, देन हम लोगों ने पढ़ा माहिती सेवा, इट मीन्स इंफॉर्मेशन सर्विस, देन हम लोगों ने पढ़ा सहाय सेवा, एंड लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा नेट बैंकिंग। तो इस तरह से 4 से 5 टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़े। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही है, चैप्टर बहुत लंबा है,
इसके आने वाले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे रुकते हैं, आने वाले अगले टॉपिक पे हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।